अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज मेरा ओ लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर वन का चैप्टर नंबर 4 टॉपिक है, और जो मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं उसमें ओ लेवल पी वन बुक वन जो आपको दी हुई है उसमें पेज नंबर 291 पे आपको ये सब लिखना है। ठीक है बच्चों, चलें जी स्टार्ट करते हैं। क्या चैप्टर नंबर 4? बच्चों चैप्टर नंबर 4 आपका, जो चैप्टर नंबर 4 का एक्चुअल में नाम है वो है सॉफ्टवेयर। हाँ, चैप्टर नंबर 4 इट्स ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर। और चैप्टर नंबर 4 के दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आइए हम आपको दोनों पार्ट दिखा दें। बच्चों ये देखें, पेज नंबर 291 पे जो मेरे नोट्स हैं उसमें पेज नंबर 291 ओपन कर लें, और पेज नंबर 291 पे चैप्टर नंबर 4 के ना दो पार्ट हैं। पहले पार्ट को मैं बोलूंगा 4.1। 4.1 में हम आपको सॉफ्टवेयर उसके टाइप्स के बारे में कराएंगे, 4.2 में हम आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में कराएंगे। सही है बच्चों, यहां तक कोई मसला है? चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 2.1। 2.1 पे आपको चैप्टर नंबर 4 हम कवर कराएंगे। चलिए चलिए बच्चों, पेज नंबर 295 ओपन करिएगा मेरे नोट्स के। पेज नंबर 295 पे हम आपको हायरार्की पढ़ा रहे हैं कि हार्डवेयर की से कौन कौन सी चीजें करीब होती हैं, कितनी करीब होती हैं, फिर हार्डवेयर से कितनी चीजें दूर होती हैं। बच्चों ये जो करीब और दूर का सफर है ना, इसको हम बोलते हैं हायरार्की। क्या बोलते हैं बेटा? हायरार्की। तो बच्चों पेज नंबर 295 पे आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का लेवल यानी कि हायरार्की बनानी है। ठीक है, और अब हम आपको बताते हैं कि हायरार्की कैसे होती है। चलो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात कि सबसे सेंटर में या सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का नाम होता है हार्डवेयर, यानी कि सीपीयू के अंदर सारी की सारी चीजें हार्डवेयर पे है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो सेंटर में क्या? हार्डवेयर। हार्डवेयर मीन्स इट कैन बी सीपीयू, इट कैन बी प्रिंटर, इट कैन बी हार्ड ड्राइव एंड इट कैन मैनी मोर। ये होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर से जो करीब वाला सॉफ्टवेयर होगा वो हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक नाम एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा नाम लिखा हुआ है हमने क्या बेटा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का लेवल है, यानी कि हार्डवेयर से सबसे ज्यादा करीब, हार्डवेयर से सबसे करीब सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से बिल्कुल करीब होगा। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे पहला है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड सेकेंड क्या बेटा? यूटिलिटी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, बस आपको हायरार्की या लेवल्स के हिसाब से बता रहे। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नंबर 1 कैन बी स्प्रेडशीट, जिसको तुम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से बड़ा जानते हो। सेकंड है आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर या गेम्स, गेम्स की बात करें तो गेम सॉफ्टवेयर। थर्ड आपके पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में है वो इंटरनेट ब्राउजर। फोर्थ आपके पास है डेटाबेस। फिफ्थ आपके पास है वर्ड प्रोसेसर। सिक्स आपके पास है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या बेटा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यहाँ पर और भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यहाँ पर और भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, बट आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अलावा जितने भी नाम है, जितने भी डिस्क्रिप्शन है, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेगी। सही है, यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताने का मतलब था मेरा कि देखो सेंटर में आपके पास हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर से ऊपर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के सारे नाम इधर आते हैं, हार्डवेयर से करीब सिस्टम सॉफ्टवेयर, और फिर हार्डवेयर से दूर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आप लोग बोलेंगे सर कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? बच्चों हम आपको बताते हैं, ये आपने हायरार्की बनाई है सिर्फ। हाँ चलें, आइए बच्चों पेज नंबर 296 पे ये जरा लिखिएगा। देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है क्या है, जरा इसको समझे। सही, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है क्या है, ये जरा इसको समझिएगा। पेज नंबर 296। हाँ ठीक है, अब उसको ऐसे ऐसे आपको दिखा देते हैं। पेज नंबर 296 जरा डेप्थ में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए बच्चों, सबसे पहली बात देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने कहा भाई एक आपके पास सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बने होंगे। तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स काम कर रहे होंगे। और प्रोग्राम का मतलब क्या होता है?
कोई भी टास्क को परफॉर्म करना, क्या बेटा, कोई भी टास्क को परफॉर्म करना। सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती है, सबसे पहली टाइप होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी टाइप होती है क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है मैम, अब आप बोलोगे सर सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सर आसान करके समझाएं। बेटा आसान करके समझाऊं तो ये होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना वो आपकी जरूरत या आपकी विश नहीं है, इट इज अ नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ द हार्डवेयर। हार्डवेयर का नाम मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीपीयू। बेटा हार्डवेयर या पीसी की जो जरूरत होगी ना, जिसके बगैर आप उस हार्डवेयर या पीसी से बात नहीं कर सकते, वो कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो क्या कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, नॉट योर। और मेरी बच्चों, मेरी ये विश है, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी क्या विश है, मेरी जो ख्वाहिश होगी वो सब क्या कहलाएगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। जैसे मेरे विषय है कि भाई PSL आ रहा है तो मैं Daraz.pk डालूँ, Daraz.pk मेरी एप्लीकेशन है ना। मेरे विषय की मैं जो हूँ ना वो उबर या करीम एप्लीकेशन डालूँ, मेरे विषय की मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डालूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डालूँ, कोई ब्राउजर डालूँ, यूसी ब्राउजर डालूँ, तो ये सारी चीजें जो यूजर की विश होती है ना वो आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। और वो सारी चीजें जिसके बगैर सिस्टम काम ही नहीं कर सकता, वो क्या कहलाती है बेटा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सही, तो उसको हम ऐसे समझते हैं कि सिस्टम की जरूरत जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की जरूरत जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर यूजर की जो जरूरत है, यूजर की जो रिक्वायरमेंट है, यूजर की जो विषय है, वो क्या कहलाएगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बच्चों कुछ एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं यहाँ पर हम आपको। उस एग्जाम्पल नंबर वन, सिस्टम सॉफ्टवेयर की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा आपके पास होती है यूटिलिटी प्रोग्राम्स, एंड तीसरी आपके पास होती है डिवाइस ड्राइव। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नाम आपने सुना है ना, बट उसमें तो ब्रांडिंग हो जाएगी, तो नॉन ब्रांडिंग नाम क्या होगा, स्प्रेडशीट। सही, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपने नाम सुना है, यस। एमएस वर्ड में तो माइक्रोसॉफ्ट की ब्रांडिंग हो जाएगी, तो नॉन ब्रांडिंग के बगैर नाम लिए हम क्या बोलेंगे, वर्ड प्रोसेसर। ठीक है बच्चों, डेटाबेस, डेटाबेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, और सारा का सारा डेटा जहां पर रखा जाएगा वो भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर बच्चों गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स वगैरह, ये सब इंटरनेट ब्राउजर में आते हैं, और इसके अलावा आपके मन पसंदीदा जो गेम्स होते हैं वो भी किसमें आएगा बेटा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो दो तरीके के आपके पास सॉफ्टवेयर हो गए, वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर की जरूरत की रिक्वायरमेंट होगी वो कहलाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो आपकी विश या आपकी नीड या आपकी रिक्वायरमेंट होगी यूजर की वो कहलाएगा क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर सब सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, इंटरनेट ब्राउजर और गेम सॉफ्टवेयर, ये सब किसमें आएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। इसके अलावा भी नाम है, सब पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, तफसील से पढ़ाऊंगा। अब आपको मैं ये कह रहा हूँ पेज नंबर 296 ओपन करने मेरे नोट्स का, और वहां पर ये लिखना शुरू करें, जनरल फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर और जनरल फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आइए, पहला फीचर नंबरिंग करी भी हमने, अगर आप देखो फीचर नंबर वन, सेट ऑफ प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ये बात हमने भी आपको बोली थी कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल और मैनेज करेगा किसको बेटा, हार्डवेयर को। पॉइंट नंबर टू, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म ऑन विच अदर सॉफ्टवेयर कैन रन। क्या बोला मैंने, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिसमें बाकी सारे सॉफ्टवेयर भी रन होंगे। यानी कि ग्राउंड तो यही प्रोवाइड कर रहे हैं ना, सही, ग्राउंड तो यही प्रोवाइड कर रहे ना बच्चों, सही है, शाबाश। पॉइंट नंबर थ्री जरा देखिएगा, पॉइंट नंबर थ्री, रिक्वायर्ड टू अलाउ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू रन विदाउट प्रॉब्लम। यानी कि ये अगर आप डालते हो तो ये अलाउ करता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कि ये रन हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। बच्चों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी कि ह्यूमन को जब इंसान से बात करनी होती है ना, ह्यूमन जब इंसान से बात करता है तो एक इंटरफेस चाहिए होता है, उस इंटरफेस का नाम होता है ह्यूमन और कंप्यूटर। मैंने बोला ह्यूमन और इंसान नहीं, तो एक ही बात बोली जी, ह्यूमन और कंप्यूटर। जैसे मैं मशीन से बात कर रहा हूँ तो ह्यूमन का और कंप्यूटर का एक इंटरफेस होता है, इंटरफेस का मतलब होता है एनवायरमेंट। तो ह्यूमन और कंप्यूटर का एक इंटरफेस होता है, वो प्रोवाइड करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों उसको आसान करो, देखो अगर मेरे पास जो मेरा मैकबुक है, ये मैकबुक के अंदर मैं कैसे मैकबुक से बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैकबुक के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, उसका नाम है मैकिंटोश। मैकिंटोश ह्यूमन को और कंप्यूटर को आपस में एनवायरमेंट बताकर, एनवायरमेंट देके बातचीत करवा रहा है, सही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरी जरूरत नहीं है, मैं तो चाहते नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लेकिन मजबूरी है ना, सिस्टम की जरूरत है। तो दैट्स व्हाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ
सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके बच्चों, तो यही पॉइंट नंबर फोर में लिखा हुआ है कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है ह्यूमन और कंप्यूटर का आपस में एनवायरनमेंट यानी कि इंटरफेस। पॉइंट नंबर फाइव, कंट्रोल द एलोकेशन एंड यूज ऑफ हार्डवेयर रिसोर्स, बताता है कि कौन सी चीज को कितना यूज करना है, कौन सी हार्ड ड्राइव को कितना यूज करना है, रैम कितनी यूज होगी, सारी रिसोर्सेज को आपस में क्या कराएगा, एलोकेट कराएगा। ये तो बात हो गई सिस्टम सॉफ्टवेयर की, मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आए, ये चार पॉइंट आपको बता दें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशन और प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर, आपके पीसी को, आपके पीसी पे मल्टीपल एप्लीकेशन रन करेंगे किससे बेटा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होंगे। अलाउ यूजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क यूजिंग अ कंप्यूटर रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल इट कैन बी माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड, इट कैन बी सूट ऑफ एनी प्रोग्राम, सही, ये सारी चीजें इसमें इस्तेमाल होंगी। यूजर कैन एग्जीक्यूट द सॉफ्टवेयर एज एंड दे रिक्वायर्ड, यानी कि मैंने बोला था ना मेरी ख्वाहिश और मेरी विश जो होगी, यूजर की विश, ये यूजर की जो रिक्वायरमेंट है ना वो सबकी सब किस में आएगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बच्चों पेज नंबर 296 पे आप लोगों ने ये नोट्स लिख लिए हैं, तो चैट पे बता दें फिर मैं आगे चलूं। चलिए बच्चों आपको कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम लिखवाते हैं। तो बच्चों पांच तरीके के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, फाइव टिपिकल टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सही, पांच तरीके के सिस्टम सॉफ्टवेयर, कितने तरीके के बेटा, पांच, और ये पांच के पांच की डिस्क्रिप्शन आपको याद रखनी चाहिए। पहला है आपके पास कंपाइलर, पहला क्या है आपके पास कंपाइलर, दूसरा क्या है आपके पास लिंकर, फर्स्ट इज कंपाइलर, दूसरा इज लिंकर, थर्ड इज डिवाइस ड्राइवर, फोर्थ इज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईएमपी लिखा हुआ मैंने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम, आईएमपी का मतलब है बच्चों इंपॉर्टेंट है, एंड फिफ्थ वन इज यूटिलिटीज, यूटिलिटीज भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों कंपाइलर, लिंकर, डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटीज, ये पांच आपके पास कौन से सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सही। आइए बच्चों पहले हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताते हैं, जिसके लिए आपको पेज नंबर 296 ओपन करना होगा, सही, पेज नंबर 296। बच्चों पेज नंबर 296 पे ये हम लिखेंगे, और मैं बता दूं कि इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मेरे नोट्स में पेज नंबर 302 पे मिल जाएगी। गॉट इट। चलें सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर वन, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ाने जा रहा हूँ, वैसे पांच होते हैं ना, पांच के पांच आपको पढ़ाएंगे, पहला पढ़ाने जा रहा हूँ क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आइए बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर वन विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या होता है ये बताओ भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम होता है यूजर को और कंप्यूटर को आपस में बातचीत करवाना। तो यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम होता है कि इफ इट इज यूजर, यूजर है, यूजर को और पीसी को आपस में कम्युनिकेट कराने वाला कौन होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, सही है। यूजर को यानी कि इंसान को और पीसी को आपस में मिलवाने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसका नाम होता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है आइए भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम एक एसेंशियल सॉफ्टवेयर होता है जो रन होता है बैकग्राउंड के अंदर, इजी वे टू इंटरेक्ट विद द यूजर एंड द हार्डवेयर। हमने भी तो आपसे ये बात बोली, हमने कहा इजी वे टू इंटरेक्ट विद यूजर एंड द हार्डवेयर, इजी वे टू इंटरेक्ट विद यूजर एंड द हार्डवेयर। बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शन होते हैं, पहला फंक्शन होता है मल्टी टास्किंग, दूसरा होता है मैनेज यूजर अकाउंट, तीसरा होगा मैनेज यूटिलिटी प्रोग्राम। अब ये क्या होते हैं हम आपको वन बाय वन बताते जाते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है जैसे मेरा आईपैड एक वक्त में 10 काम करता है, मेरे लैपटॉप एक वक्त में 10 चीजें कर सकता है, तो एक वक्त में मल्टीपल काम करना मल्टीटास्किंग, मैनेज मल्टीपल अकाउंट जैसे पीसी के मल्टीपल अकाउंट होते हैं उनको मैनेज करना, थर्ड होता है मैनेज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सारे सॉफ्टवेयर को, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते क्या पहले वो समझिएगा, तो सबको आपस में मैनेज करेगा, देखेगा कौन बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम। यही फीचर तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं और
फंक्शन भी होते हैं। बच्चों दो तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं आपके पास, जरा देख लें। टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर देयर। नंबर वन इज सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक वक्त में एक काम करेगा। आप लोगों ने आज तक देखा ही नहीं होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक वक्त में एक काम करेगा था उसका नाम था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको तुम कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से जानते हो। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक वक्त में ज्यादा काम कर रहा है वो कहलाता है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो तुम विंडोज के नाम से जानते हो, एंड्रॉइड के नाम से जानते हो। तो बच्चों दो तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक होता है सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होगा मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिंगल टास्क की एग्जाम्पल क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी टास्क की एग्जाम्पल है क्या? विंडोज। आइए बच्चों पेज नंबर 303 ओपन कर लें। सब चीजें पेज नंबर के साथ मैंने लिखी हुई है, आप आराम से देख सकते हैं। बच्चों दो तरीके के इंटरफेस होते हैं। इंटरफेस का मतलब होता है एनवायरनमेंट प्रोवाइड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। सही, एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन या इंटरेक्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ना, उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरफेस। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरफेस। बच्चों दो तरीके के इंटरफेस होते हैं, एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस, एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सही, कमांड लाइन इंटरफेस पुराना इंटरफेस है जो आपने आज तक कभी देखा ही नहीं है। कमांड लाइन इंटरफेस जो है ना, CLI कमांड लाइन इंटरफेस में दो ही कलर होते हैं, एक होता है ब्लैक कलर, सही, और एक होता है कोई भी कलर, दूसरा कलर, यानी कि इट कैन बी ब्लैक एंड व्हाइट, और दूसरा कलर यानी कि वन फॉर द बैकग्राउंड एंड वन फॉर द फोरग्राउंड। बच्चों कमांड लाइन इंटरफेस में दो ही कलर होते हैं और वो एक वक्त में एक ही टास्क कर सकता है। मैंने यहाँ लिखा इट कैन परफॉर्म वन टास्क एट अ टाइम। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज अ GUI, ये हाई ग्राफिक्स, पिक्चर, एनिमेशन और मल्टी टास्किंग कर रहा होता है। बच्चों ये मेरा आईपैड जरा देखिएगा, इस आईपैड में ये जो टास्क खुले हुए हैं, मुझे बताओ मेरे इस आईपैड में इंटरफेस कौन सा है, CLI या GUI? कौन सा है बेटा जल्दी बताओ, कौन सा है? GUI, हाई ग्राफिक पिक्चर एनिमेशन, है ना? ठीक है, तो हाई ग्राफिक पिक्चर एनिमेशन वाला जो इंटरफेस होता है वो क्या होता है? GUI। Got it? चलो पेज नंबर 303 पे आपके पास वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी लिखा हुआ है। बच्चों वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखें, पास पेपर में भी आ चुका है ये सवाल कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है जब आपका PC स्टार्ट होगा। मैंने यहाँ PPT लिख दिया। आइए बच्चों, व्हेन कंप्यूटर पावर ऑन, जब भी PC पावर ऑन होगा पहली मरतबा, उसको हम बोलेंगे बूट अप। क्या बोलेंगे बेटा? बूट अप। बेटा व्हेन CPU पावर ऑन दैट मींस बूट अप, ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर लोडेड फ्रॉम द मेमोरी व्हिच इज कॉल्ड ROM। अब आप बोलेंगे सर ROM से क्यों, RAM से क्यों नहीं? बच्चों इस वजह से, क्योंकि ROM इज अ परमानेंट मेमोरी, और परमानेंट मेमोरी में पावर ऑफ होने के बाद डेटा रहता है। परमानेंट मेमोरी में पावर ऑफ होने के बाद डेटा रहता है। व्हेन कंप्यूटर पावर ऑन, व्हेन कंप्यूटर बूट अप, ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर लोडेड फ्रॉम ROM, ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर लोडेड फ्रॉम ROM। उसके बाद बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है चार चीजें, उन चार चीजों को मैंने बोल दिया ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा। फोर्थ प्रोसीजर, नंबर वन इज BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज वर्किंग करेक्टली और नॉट, योर प्रोसेसर के ALU इज वर्किंग करेक्टली और नॉट, योर इंटरनल मेमोरी इज वर्किंग करेक्टली और नॉट, योर हार्डवेयर इज परफॉर्मिंग करेक्टली और नॉट। इफ ऑल दीज फोर टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स आर वर्किंग करेक्टली देन द ऑपरेटिंग सिस्टम विल लोड, देन द ऑपरेटिंग सिस्टम विल लोड। इफ एनी ऑफ देम इज नॉट वर्किंग करेक्टली, नॉट परफॉर्मिंग करेक्टली, देन ऑपरेटिंग सिस्टम विल नॉट लोड। Got it, बच्चों? कोई मसला तो नहीं, सारे बच्चे बताएगा चैट, ऑल क्लियर? चलो बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर टू विच इज यूटिलिटी प्रोग्राम। अगर मैं आपको दिखाऊं कि बच्चों देखो, मैंने अभी आपको पहला वो पढ़ाया है ऑपरेटिंग, ये मैंने बच्चों आपको सिर्फ अभी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया है। हाँ अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम की और भी डिटेल डिस्क्रिप्शन है, आइए मैं आपको दिखाई दे। अभी मैंने सिर्फ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करा रहा हूँ, फिर क्या कराऊंगा? यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर, लिंकर और कंपाइलर। ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, बट इट्स ओके, देखते हैं। अच्छा देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा और डेप्थ में समझाते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं, बहुत सवाल बनते हैं पास से पढ़ने। मैंने अभी आपको बताया कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर वन है, और जिसमें यूजर जो है वो इंटरेक्ट करता है किससे बेटा? हार्डवेयर या PC, इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, सॉफ्टवेयर का नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ फंक्शन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये भी एग्जाम में आ चुका है। नंबर वन के वो मल्टी टास्किंग कर सकता है,
मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकता है, मैनेज कर सकता है यूजर अकाउंट को। एग्जाम्पल में एंड्रॉइड लिख दो, iOS लिख दो और विंडोज लिख दो। बच्चों दो तरीके के इंटरफेस होते हैं, इट कैन बी CLI, इट कैन बी GUI, सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। बच्चों यहाँ पर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम की फॉर्मल डेफिनेशन भी आपको मैंने लिख के दी है, और ये पेज नंबर 302 पे दी गई। हाँ, जो मेरे नोट्स हैं उसके पेज नंबर 302 पे ये सब लिखा हुआ है, तो जरा बोर्ड पे देखिए। बच्चों ये देखिएगा, दो तरीके की पीसी हैं, दिस इज पीसी ए एंड दिस इज पीसी बी। पीसी ए और पीसी बी के दरमियान क्या फर्क नजर आ रहा है भाई? यहाँ पर पीसी ए के अंदर आपको ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन नजर आ रही है, एंड दिस ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन इज फॉर टू कलर। टू कलर वाली जो स्क्रीन होती है वो क्या कहलाती है? कमांड लाइन इंटरफेस। एंड बच्चों आपके पास ये जो हाई ग्राफिक पिक्चर एनिमेशन वाला जो इंटरफेस है, ये क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हाई ग्राफिक पिक्चर एनिमेशन इस्तेमाल होगी। मैं वही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने बच्चों को बोला कि ये वाले फंक्शन को छोड़ दें, आपको मैं छोटे फंक्शन दिखा देता हूँ, वो है ये। दिस ऑल आर द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शन नंबर वन, मैनेज यूजर, मैनेज एरे हैंडलिंग, जो जो एरे होगा उन सबको हैंडल करेगा बच्चों। सेकेंड है आपके पास मैनेज सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, मैनेज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मैनेज यूजर अकाउंट, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और एनी रियल टाइम प्रोसेसिंग। देखो रियल टाइम प्रोसेसिंग का नाम होता है बैच प्रोसेसिंग। क्या नाम होता है? बैच प्रोसेसिंग। आगे चलिएगा, एग्जाम्पल आई है कोई भी बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल। तो हमने कहा भाई मैकिंटोश लिख दो, लिनक्स लिख दो, यूनिक्स लिख दो, एंड्रॉइड लिख दो और iOS लिख दो। दो तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी पढ़ाया मैंने। सिंगल टास्क फॉर्मल डेफिनेशन लिख पा रहा हूँ कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक वक्त में एक काम करेगा, वो क्या कहलाएगा? सिंगल टास्क। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक वक्त में ज्यादा काम करेगा, वो क्या कहलाएगा? मल्टी टास्क। ठीक है ना, ताकि आपको सब चीजों की फॉर्मल डेफिनेशन मिले। पेज नंबर 303 बच्चों की मैं आपको लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी, अभी पढ़ाया था आपको कि कैसे वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अभी पढ़ाया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पास पेपर में आ चुके। चले आज हम बच्चों, क्योंकि वकार ने फरमाइश करी है सर जरा इंटरफेस को थोड़ा सा और डेप्थ में समझाएं, तो मैं वकार की बात पर टाल नहीं सकता हूँ। वकार हमारा ब्राइट स्टूडेंट है डिफेंस का। आइए बच्चों, इंटरफेस क्या होता है, आइए हम आपको दिखाते हैं कि इंटरफेस एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो अलाउ करेगा यूजर को कि वो बातचीत कर सके कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम से। यानी कि मैं जब गाड़ी में बैठता हूँ तो एक अच्छा एनवायरनमेंट मुझे मिलता है, उस एनवायरनमेंट से बड़ा मुझे मजा आता है। एनवायरनमेंट का एक और नाम होता है क्या? इंटरफेस। और एनवायरनमेंट कैन बी हार्डवेयर कंपोनेंट, एनवायरनमेंट या इंटरफेस कैन बी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो कंप्यूटर को और ऑपरेटिंग सिस्टम को आपस में मिलाएगा। बच्चों ये देखिएगा यूजर इंटरफेस, यहाँ पर हमने आपको डायग्राम के जरिए शो कराया है नोट्स में, ताकि आपको जरा थोड़ा एंटरटेनिंग मजा आए, जरा थोड़ा तफरी हो, जरा दिल लगे आपका। आइए बच्चों, यहाँ पर ये अजीब सा लड़का आपको दिख रहा है ना, ये मैला सा बच्चा दिख रहा है आपको, ये बच्चा, ये तो मेरे में मिल रहा है बिल्कुल मेरी तरह। बच्चों ये जो मेरी तरह लड़का है, शरीफ आदमी, जो सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है ब्लैक और व्हाइट कलर का, ये कहलाता है क्या? CLI। क्या कहलाएगा? CLI। और ये जो पोनी टेल बांधी हुई बच्ची है, यही लड़की है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रही है विच इज GUI। तो GUI जो है वो मल्टी टास्किंग है, GUI के अंदर माउस पॉइंटर इस्तेमाल हो सकते हैं, GUI जो है वो विंडोज, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि विंडोज यूज करता है GUI में। GUI की एक और एग्जाम्पल, GUI यूज हाई ग्राफिक पिक्चर एनिमेशन। बट ये जो मेरे जैसा बच्चा बैठा हुआ है शरीफ आदमी, ये दो कलर का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, दिस इज CLI। CLI में कोई माउस पॉइंटर ही नहीं होता था भाई, कमांड लिखनी पड़ती थी। CLI इज अ सिंगल टास्क, और CLI के अंदर हर काम करने के लिए DOS में कमांड लिखनी होती थी। तो CLI बहुत बुरा हुआ, GUI बहुत अच्छा हो गया। गॉट इट? अच्छा नमाज का ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद शुरू कर। अब मैंने यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर हमने आपको CLI और GUI के बारे में डिटेल दे दिया इंस्ट्रक्शन। अब बच्चों कुछ और भी चीजें होती हैं आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती हैं, सही? एक आपके पास होता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अच्छा यूटिलिटी प्रोग्राम जो हमारी, हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट एक फॉर्मल डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको। अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम जो चाहता है कि भाई ये काम करना है और वो काम वो कर देता है, दिस इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, स्पेसिफिक टास्क एंड यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है बेटा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब बच्चों एक और टर्मिनोलॉजी होती है, वो होती है स्पूलिंग, एग्जाम में आ चुकी है, जरा देख लें। डेटा टेम्परेरी तौर पे जो बफर में जाके वेट करता है
डेटा टेम्परेरी तौर पे बफर मेमोरी में जाके जो वेट करता है फॉर एन आउटपुट डिवाइस टू एक्सेस इट, ये कहलाता है क्या? स्पूलिंग। स्पूलिंग का मतलब डेटा जो वेट कर रहा होता है ना बफर में जाके ताकि उसको बार बार हम एक्सेस कर सकें, ये क्या कहलाएगा? स्पूलिंग। फॉर्मल डेफिनेशन मिल गई। मल्टीटास्किंग का मतलब आपको पता है, मैनी प्रोसेसेस अपीयर टू रन साइमल्टेनियसली या ऑल द प्रोसेस जो कि एक वक्त में ज्यादा एक वक्त में सारे टास्क चल रहे होंगे वो क्या कहलाएगा? मल्टीटास्क। मेमोरी मैनेजमेंट क्या कहलाता है, ये अभी हम डिटेल में ही पढ़ेंगे। चार तीन चीजें, मेमोरी मैनेजमेंट, हार्डवेयर मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, हर इस काम को या हर प्रोसेस को हमने मेमोरी अलॉट कर दी कि भाई आप हार्ड ड्राइव के अंदर इस जगह पे जाके अपना प्रोसेस रन करना, आप हार्ड ड्राइव के इस जगह पे जाके अपना प्रोसेस रन करना। ये जो अलॉटिंग ऑफ द प्रोसेस ना कंप्यूटर में, कंप्यूटर मेमोरी है ना, जो प्रोसेस को तुम अलॉट कर रहे हो ब्लॉक ताकि वो रन कर सके, उस मैनेजमेंट को तुम क्या बोलोगे? मेमोरी मैनेजमेंट। एंड द लास्ट वन इज इंटरप्ट। इंटरप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इंटरप्ट के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंटरप्ट हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटरप्ट एक सिग्नल होता है जो डिवाइस सेंड करेगी माइक्रो प्रोसेसर को ताकि वो अटेंशन गेन कर सके। और इंटरप्ट की डेफिनेशन अभी हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, तो आप इंटरप्ट छोड़ दीजिए फिलहाल। बच्चों पांच डिफरेंस बताने CLI और GUI में, मैं आपको ऐसे बता दूं पांच डिफरेंस CLI और GUI के अंदर, बता सकते हो आप लोग? ये देखें इंटरप्ट की डेफिनेशन मैंने बनाई हुई है, जरा यहाँ पर देखने हल्का सा, कि जब भी कोई डिवाइस की ऑपरेटिंग सिस्टम सही प्लग होती है किसी भी सिस्टम में, तो वो डिवाइस की ऑपरेटिंग सिस्टम सिग्नल भेजेगी, उस सिग्नल को तुम बोलोगे इंटरप्ट, ताकि वो डिवाइस, ताकि वो माइक्रो प्रोसेसर या जो भी तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसको अहमियत दे सके, अटेंशन हासिल कर सके। तो डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम सेंड सिग्नल टू द माइक्रो प्रोसेसर टू गेन द अटेंशन, टू गेन द अटेंशन। पांच डिफरेंस बताने CLI और GUI की। आइए बच्चों मैं आपको पहला बता देता हूं, बच्चों CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस, GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये बातें हमें बहुत पता है। सबसे पहला पॉइंट होगा CLI का कि भाई ये सिंगल टास्क होता है, इट इज सिंगल टास्क। एंड GUI क्या होगा बेटा? मल्टी टास्क। CLI इंटरफेस के अंदर कोई माउस पॉइंटर नहीं था, नो माउस पॉइंटर इज यूज, नो माउस पॉइंटर इज यूज, कोई माउस पॉइंटर नहीं था, नो माउस पॉइंटर सपोर्ट। मैं जरा शॉर्ट में लिखता हूँ, और यहां पर हम क्या बोलेंगे? इट कैन यूज माउस पॉइंटर। है नंबर थ्री आएगा यहां पर, ओनली टू कलर्स आर सपोर्ट, इट कैन बी वन फॉर द बैकग्राउंड एंड वन फॉर द फोरग्राउंड। यहां पर मैं लिखूंगा हाई ग्राफिक्स पिक्चर एनिमेशन आर सपोर्टेड, हाई ग्राफिक्स पिक्चर एनिमेशन आर सपोर्टेड, ये बात मैं लिखवा चुका आपको, हाई ग्राफिक्स पिक्चर एनिमेशन इज सपोर्टेड या आर सपोर्टेड। ठीक है बच्चों, और बताएं, अच्छा बच्चों आपको ये बात पता हो कि ना CLI के अंदर जब भी हम कोई काम कराते थे ना तो हमें उसकी कमांड्स याद करनी पड़ती, क्या याद करनी पड़ती थी बेटा? कमांड्स। तो हम ये बात देख सकते हैं ना कि CLI के अंदर आपको रिमेंबर द कमांड्स, नीड टू रिमेंबर द कमांड, नीड टू प्रोग्रामर नीड टू रिमेंबर द कमांड, अगर किसी को कमांड नहीं आती तो वो काम नहीं कर सकता, नीड टू रिमेंबर कमांड, नीड टू रिमेंबर कमांड। और यहाँ पर क्या होगा GUI में? नो नीड टू रिमेंबर द कमांड, ये अपना आराम से यूज करेंगे, नो नीड टू रिमेंबर कमांड। सही बच्चों, पॉइंट नंबर फाइव बताएं, एग्जाम्पल लिख दो। एग्जाम्पल बेटा CLI की एग्जाम्पल क्या थी? आप बोलेंगे सर CLI की एग्जाम्पल थी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और GUI की एग्जाम्पल थी विंडोज, इट कैन बी लिनक्स, इट कैन बी एंड्रॉइड। ठीक है, तो ये CLI और GUI के पांच डिफरेंस हो गए आपके पास, गॉट इट? कोई मसला तो नहीं। अब बच्चों
कुछ टॉपिक मैं आपको यहीं पर छोड़ूंगा, वो क्या है जरा देखें बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ और चीजें भी होती हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में एक आपके पास होती है मैनेजमेंट, जिसको हम बोलेंगे मेमोरी मैनेजमेंट, जिसकी मैंने आपको अभी सिर्फ डेफिनेशन बताई थी, डिटेल में नहीं पढ़ाया, डिटेल में मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, सही, मेमोरी मैनेजमेंट। उसके बाद बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम में एक और मैनेजमेंट होता है, वो होता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट नंबर वन, नंबर टू सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एंड नंबर थ्री क्या होगा बच्चों, ये भी एक मैनेजमेंट होती है, इसको हम बोलेंगे हार्डवेयर या पेरिफेरल मैनेजमेंट, हार्डवेयर या पेरिफेरल मैनेजमेंट। पेरिफेरल क्या होती है अभी हम बताएंगे, सही है बच्चों। ये तीन मैनेजमेंट भी मुझे आपको पढ़ानी है, जो मैं इस चैप्टर के लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये तीन मैनेजमेंट भी है, नंबर वन मेमोरी मैनेजमेंट, नंबर टू सिक्योरिटी मैनेजमेंट, नंबर फोर हार्डवेयर मैनेजमेंट, ठीक है बच्चों, सही, ये हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर वन बताया, इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर वन क्या पढ़ाया मैंने आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बहुत डेप्थ के अंदर बताया, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई मसला है? चलो बच्चों, सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर वन ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इतना डेप्थ में कराया आपको, नाउ वी आर मूविंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर टू विच इज यूटिलिटी प्रोग्राम। बच्चों यूटिलिटी प्रोग्राम होता क्या है जरा देखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर टू विच इज यूटिलिटी प्रोग्राम। बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर टू आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होता है, प्रोग्राम दैट आर डिजाइन टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क टू परफॉर्म द ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर, यानी कि कोई भी कंप्यूटर अगर कोई स्पेसिफिक टास्क कर देगा, उसके लिए जो उसने एक टाइप बनाई ना सॉफ्टवेयर की, उस सॉफ्टवेयर को क्या बोला है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और ये यूटिलिटीज जो होते हैं ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिनका काम क्या होता है बेटा, मेंटेन एंड कंट्रोल द कंप्यूटर के रिसोर्सेज, कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करना, कंट्रोल करना, ठीक है। तो यूटिलिटीज की डेफिनेशन देखो, प्रोग्राम दैट असाइन टू कैरी आउट द स्पेसिफिक टास्क ऑन अ कंप्यूटर, और इसका मेन काम क्या होता है, मेंटेन द कंप्यूटर रिसोर्सेज। बच्चों कुछ एग्जांपल हैं यूटिलिटीज की, और ये सारी एग्जांपल हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। पहली एग्जांपल होती है आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जो कि पेज नंबर 298 पे हम आपको बताएंगे। बैकअप फाइल कैसे बैकअप लेते हैं, कैसे बैकअप बनता है, डिस्क कैसे रिपेयर होती है, डिस्क रिपेयर, स्क्रीन सेवर जो आपको पता होगा, फाइल मैनेजर, ये भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट हम आपको डेप्थ में बताएंगे। नेक्स्ट है सिक्योरिटी, कंप्रेशन एंड डिस्क डिफ्रेगमेंट, बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको लाजमी देखने हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल, बच्चों 8 एग्जाम्पल हैं, उस 8 एग्जाम्पल को हम वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी फिलहाल सिस्टम सॉफ्टवेयर को बता देते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर टू आपको समझ आ गया होगा, अब मैं मूव कर रहा हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर थ्री पे। सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर थ्री, सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर थ्री का नाम है लिंकर। सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर थ्री का नाम क्या बच्चों, लिंकर। लिंकर में आप करते क्या हो बच्चों, जब भी कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर से, अच्छा आप बोलोगे सर ये क्या कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर, कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो आपके सोर्स कोड यानी कि प्रोग्रामिंग कोड को फाइनल कोड में कन्वर्ट कर देता है, और जो फाइनल कोड में कन्वर्ट करके एक फाइल में रखता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट फाइल। सारी ऑब्जेक्ट फाइल अलग अलग होती हैं बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कुछ सॉफ्टवेयर को या कुछ प्रोग्राम को आपको इन ऑब्जेक्ट फाइल को मिलाना होता है, तो लिंकर इन सारी ऑब्जेक्ट फाइल को मिलाकर एक सिंगल फाइल या एक सिंगल मॉड्यूल बना देता है, ताकि पीसी उसको रन कर सके, ताकि पीसी उसको क्या कर सके बच्चों, रन कर सके। तो लिंकर कंबाइन ऑल द ऑब्जेक्ट फाइल, लिंकर कंबाइन ऑल द ऑब्जेक्ट फाइल एंड पुट देम टुगेदर इनटू द सिंगल फाइल, एंड पुट देम टुगेदर इनटू द सिंगल फाइल। लिंकर कंबाइन ऑल द ऑब्जेक्ट फाइल, लिंकर कंबाइन या कंबाइन ऑल द ऑब्जेक्ट फाइल इनटू द वन सिंगल फाइल, एंड दिस इज कॉल्ड लिंकर, ताकि उस सिंगल फाइल को प्रोग्रामर क्या करे बच्चों, यूज कर सके। गॉट इट? तो लिंकर सब बच्चों को समझ आ गया है, कोई मसला तो नहीं? लिंकर क्या करता है, सारी ऑब्जेक्ट फाइल को, जिन बच्चों ने हाई लो लेवल लैंग्वेज पढ़ा होगा या 4.2 के अंदर जब वो पढ़ेंगे, तो उसके अंदर सारी ऑब्जेक्ट फाइल को आपस में मिला देना, मिलाने के बाद एक फाइल में स्टोर करना, ताकि पीसी या प्रोग्रामर उसको आराम से रन कर सके। ये काम किसका है बेटा, लिंकर का। ये काम किसका है,
लिंक डन। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर 3 भी सबको समझ आ गया। अब दो सिस्टम सॉफ्टवेयर बचे हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम है डिवाइस ड्राइवर। बच्चों डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, जरा इसको समझे। बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर 4 डिवाइस ड्राइवर। अब ये भी सुन लेंगे क्या होता है। बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर 4 डिवाइस ड्राइवर होता क्या है, देखें जब भी आपका कोई हार्डवेयर, अब आप बोलेंगे सर हार्डवेयर क्या, इट कैन बी यूएसबी, इट कैन बी प्रिंटर। अब प्रिंटर का वायर तुमने उठाकर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या अपने पीसी में लगा दिया, भाई आपका पीसी या आपके पीसी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस प्रिंटर को नहीं जानता, वो इस यूएसबी को नहीं जानता। तो इन दोनों की आपस में बातचीत करवाने के लिए, कम्युनिकेट करवाने के लिए, आपस में मिलाने के लिए वी हैव अ सॉफ्टवेयर जो इन दोनों को, हार्डवेयर को और ऑपरेटिंग सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट कराएगा। उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है डिवाइस का ड्राइवर। क्या नाम होता है बच्चों? डिवाइस का ड्राइवर। क्या नाम होता है बेटा? डिवाइस का ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन डैश एंड डैश। बोलो क्या होगा? हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर को और ऑपरेटिंग सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट कराएगा। प्रिंटर और यूएसबी का एक डिवाइस ड्राइवर होता है। बच्चों जब मैंने यूएसबी पढ़ाया था तो यूएसबी बता दूं कि यूएसबी एक ऐसी फेमस चीज है, एक ऐसी फेमस की बजाय स्टैंडर्ड चीज है जिसको हर ऑपरेटिंग सिस्टम जानता है। तो यूएसबी का डिवाइस ड्राइवर ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है। यूएसबी का डिवाइस ड्राइवर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगा। तो डिवाइस ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को और ऑपरेटिंग सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट कराता है। बोलो क्या कराता है? कम्युनिकेट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, चले। मैंने आपको 4 सिस्टम सॉफ्टवेयर बता दिए है। नाउ वी आर मूविंग द 5th ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज कंपाइलर। अब बच्चों एक बात आपको बता दूं, सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर 5 पे मूव कर रहा हूं विच इज द लास्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर 5 देखें। अब कंपाइलर के लिए आपको ना हाई लो लेवल लैंग्वेज का आइडिया होना चाहिए। हाई लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है इसका आइडिया भी नहीं होगा क्योंकि आपके सिलेबस में इसके बाद वाला 4.2 में आएगा हाई लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पर मुझे कंपाइलर भी पढ़ाना है। तो देखो बच्चों मैं कंपाइलर आपको कैसे पढ़ाऊंगा, जरा देखिएगा। कंपाइलर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि देखो जब भी मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ ना तो मेरी प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज पे होती है। उस लैंग्वेज की कैटेगरी को हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं बेटा? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज से ट्रांसलेट करके, अच्छा हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता, कंप्यूटर कहता है कि भाई मुझे हाई लेवल लैंग्वेज नहीं पता, मैं तो मशीन लैंग्वेज समझता हूँ। अच्छा कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है मशीन लैंग्वेज और यूजर अंडरस्टैंड कर रहा है हाई लेवल लैंग्वेज। तो भाई यूजर को हाई लेवल लैंग्वेज में काम कर रहा है और सीपीयू जो है वो काम कर रहा है किसमें बेटा? मशीन लैंग्वेज में। तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों आपस में तो भाई बातचीत ही नहीं कर पाएंगे। इसको जो यूजर को जो लैंग्वेज आती है वो कंप्यूटर को नहीं आती और जो कंप्यूटर को आती है वो यूजर को नहीं आती। तो इन दोनों को बीच में ट्रांसलेट करने के लिए कुछ लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाले लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर द प्रोग्राम विच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इंटू मशीन इंस्ट्रक्शन। सिंपल है ना? अच्छा अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 तरीके के होते हैं। जो नंबर 1 होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, नंबर 1 इज कंपाइलर, नंबर 2 आपके पास होता है इंटरप्रेटर एंड नंबर 3 आपके पास होता है बच्चों असेंबलर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। अब आई बात समझ में? तो बच्चों कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो या असेंबलर हो, इट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। गॉट इट? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। यहां तक किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब जरा सुनना, आप बोलोगे सर असेंबलर तो नहीं करता। बच्चों यहां पर मैंने एक बात अधूरी बताई है कि असेंबलर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं करेगा। असेंबलर एक और लैंग्वेज, यूजर एक और लैंग्वेज को समझता है, यूजर एक और लैंग्वेज को समझता है, दिस इज असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो एक्चुअल में यूजर 2 लैंग्वेज को समझता है,
एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है असेंबली लैंग्वेज। और ये बात आपको सीधा सीधा समझ आनी चाहिए कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन में ट्रांसलेट करने वाला असेंबलर होगा, असेंबली लैंग्वेज को जो यूजर समझता है उसको ट्रांसलेट करना होगा मशीन लैंग्वेज में, वो कौन करेगा? असेंबलर, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में ट्रांसलेट करने वाला पहला कंपाइलर होगा, ठीक है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में ट्रांसलेट करना दूसरा कौन सा होगा? इंटरप्रेटर, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर देयर। नंबर वन इज कंपाइलर विच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, नंबर टू इज इंटरप्रेटर विच आल्सो कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, एंड नंबर थ्री इज असेंबलर विच कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। यूजर यानी कि इंसान या सॉफ्टवेयर इंजीनियर दो लैंग्वेज समझता है, नंबर वन इज हाई लेवल और नंबर टू इज असेंबली। अब आप बोलोगे सर कंपाइलर और इंटरप्रेटर जब दोनों एक ही काम कर रहे हैं, जो हाई को मशीन में ट्रांसलेट कर रहे हैं, जब कंपाइलर इंटरप्रेटर हाई को मशीन में ही ट्रांसलेट कर रहे हैं तो दोनों में फर्क क्या है? आइए बता देते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों में फर्क क्या है, आइए अभी बता देते हैं। बच्चों फॉर एग्जांपल दिस इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर नंबर वन कंपाइलर एंड दिस इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर नंबर टू इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज की अगर फॉर एग्जांपल ये हाई लेवल लैंग्वेज में 100 लाइनें लिखी है ना, लाइन 1, 2, 3 से लेके 100 तक, कंपाइलर इन सारी बातों को एक साथ वन गो में मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। कंपाइलर ट्रांसलेट ऑल द इंस्ट्रक्शन इन वन गो, एक गो में कंपाइलर ट्रांसलेट ऑल द इंस्ट्रक्शन इन वन गो, सही है। बट इंटरप्रेटर क्या करेगा? मतलब पूरी बात को एक साथ ट्रांसलेट कर देगा। बच्चों इंटरप्रेटर क्या करेगा? अगर 1 से लेके 2, 3 और 100 तक लाइन है ना बच्चों, इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर हर लाइन को 1 by 1 ट्रांसलेट करेगा, यानी कि लाइन 1 को ट्रांसलेट करेगा, फिर लाइन 2 को, फिर लाइन 3 को, फिर लाइन 4 को, लाइन 5 को, लाइन 6 को, लाइन फिर 100 को। तो इंटरप्रेटर जो है ना बच्चों वो ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज को ही करता है, बट लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। कैसे ट्रांसलेट करता है बेटा? लाइन बाय लाइन। और बच्चों कंपाइलर जब पूरी बातों को एक साथ ट्रांसलेट करेगा तो कंपाइलर फास्ट होगा और इंटरप्रेटर क्या होगा? स्लो होगा। बट एक्सपर्ट लोग कंपाइलर इस्तेमाल करेंगे, एक्सपर्ट लोग जो है क्या इस्तेमाल करेंगे? कंपाइलर। और जो बिगनर प्रोग्रामर होंगे ना, बिगनर यानी कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, उनको हम रिकमेंड करेंगे कि तुम लाइन बाय लाइन काम करो, ताकि ताकि जिस लाइन में गलती हो उस लाइन को बता सकना, ठीक है। तो कंपाइलर ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल प्रोग्राम, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज बट लाइन बाय लाइन। तो यहां पर बच्चों मेरा ये टॉपिक है कंपाइलर क्या होता है। अब मैं कंपाइलर की तारीफों के पूरा आपके सामने बांधूंगा, आइए। नंबर वन, कंपाइलर ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल प्रोग्राम। जिसको तुम इन वन गो भी कह सकते हो, इन वन गो, ठीक है बच्चों। तो कंपाइलर सबको समझ आ गया है, कोई मसला तो नहीं कंपाइलर में। अब आप और सुनिएगा। हाँ बोलो, क्लास एंड कर दूँ? क्लास एंड कर दूँ जी बेटा, बस कंपाइलर को थोड़ा सा फिनिश कर दूँ, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर मेरे हो गए ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर 5 हो गया, फिर अगली क्लास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 10 है, उन पर मैं बताऊंगा। अच्छा कंपाइलर की एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ बच्चों, ये है तुम्हारे पास एग्जांपल के तौर पे हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जिस पे तुम सूडो कोड को अगर पाइथन में या विजुअल बेसिक में कर दो तो वो हाई लेवल लैंग्वेज बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा बच्चों ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, इस तरीके से। बीच में तुम्हें ट्रांसलेटर चाहिए, सही। इस ट्रांसलेटर को तुमने बोला कंपाइलर,
कंपाइलर के बाद जो आखिर में आपके पास ये बनेगा, ये क्या बनेगा, कंपाइलर यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये जो अब तुम्हारे पास बन रहा है ये क्या बन रहा है, मशीन कोड, जो कि बाइनरी लैंग्वेज में होगा, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज लिख दिया, और यहाँ पर मैंने मशीन लैंग्वेज लिख दिया, एमएल, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज को तुमने एक फाइल में रख दिया, उस फाइल को क्या बोला है, ऑब्जेक्ट फाइल। मशीन लैंग्वेज को तुमने, या मशीन लैंग्वेज के कोड को बच्चों, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड, मशीन लैंग्वेज का जो कोड होता है ना वो कहलाता है ऑब्जेक्ट कोड। मशीन लैंग्वेज का जो कोड होगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कोड, और हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड होगा वो कहलाता है सोर्स कोड। ये पूरा चैप्टर है असल में, वो अगला पार्ट होगा हमारा। तो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बन जाए कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी कोड लिखते हो वो कहलाता है सोर्स कोड, और ट्रांसलेट होने के बाद मशीन लैंग्वेज में जो भी कोड हो जाता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड को किसी फाइल में स्टोर करा दो, ऑब्जेक्ट कोड को किसी फाइल में स्टोर करा दो ताकि कंप्यूटर उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सके, और वो जो फाइल कहलाती है ना बच्चों वो कहलाती है ऑब्जेक्ट फाइल। और ये ऑब्जेक्ट फाइल मैंने लिंकर में पढ़ाया था। ऑब्जेक्ट फाइल वो फाइल होती है जिसको सीपीयू डायरेक्टली प्रोसेस कर देता है विदाउट द नीड ऑफ एनी ट्रांसलेटर। सीपीयू कैन डायरेक्टली प्रोसेस, ठीक है बच्चों, दिस इज अ ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, मैंने आपको पांच लैंग्वेज ट्रांसलेटर करा दिए बच्चों। नाउ हियर इज अ कंपाइलर। अब मैंने आपको पांच लैंग्वेज ट्रांसलेटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर कराए हैं भाई, पांच सिस्टम सॉफ्टवेयर कराए हैं। आइए मैं आपको सिर्फ उनके नाम दिखा दूं ताकि ये देखें बच्चों, पांच सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको करा दिए हैं आज की क्लास के अंदर। पूरी रिकॉर्डिंग में यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। नंबर वन कंपाइलर, नंबर टू लिंकर, नंबर थ्री डिवाइस ड्राइवर। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया, फिर यूटिलिटी पढ़ाया, फिर डिवाइस ड्राइवर पढ़ाया, फिर लिंकर पढ़ाया, फिर कंपाइलर पढ़ाया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। अगली क्लास में आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे जो कि 10 होंगे, 10। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 10 यानी कि 10 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ाने जाऊंगा, तो मेरे साथ रहेगा। वो बच्चे जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। बच्चों नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपको 10 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे जो कि ये रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।